कोरोना वायरस ने रूस की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर में दर्जनों लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें कई राष्ट्रपति के बेहद करीबी भी हैं, जिनके बाद रूसी राष्ट्रपति ने अपना ताजिकिस्तान दौरा रद्द कर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान ने रूस में हड़कंप मचा दिया है। पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। इस आलिशान पैलेस पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पुतिन के एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर करीबी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। मंगलवार को व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात की पुष्टि की। पुतिन ने मॉस्को में हुई एक वर्चुअल मीटिंग में क्रेमलिन पर कोरोना अटैक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके एक बेहद करीबी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना के खतरे को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति ने अपने ताजिकिस्तान दौरे को रद्द कर दिया है। साथ ही पुतिन ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से ठीक हैं। एक करीबी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया था, लेकिन रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। पुतिन के करीबियों के पॉजिटिव आने के बाद पुतिन पर भी सवाल उठने लगे हैं, और पुतिन पर सवाल उठने की वजह है वो मुलाकातें जो उन्होंने सोमवार के दिन की थी। सोमवार के दिन रूसी राष्ट्रपति ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, साथ ही बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में शिरकत की और अधिकारियों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, वो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से भी मिले थे। रूसी मीडिया के मुताबिक पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा था कि जल्द ही उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है, यानी पुतिन को इस बारे में जानकारी थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि जब राष्ट्रपति को पता था कि उनके करीबी घेरे में कोविड-19 के मामले आ चुके हैं, तो उन्होंने सोमवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।